ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ की वीडियो, आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो संतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान आपको प्रदान करेगा। आज का ये वीडियो प्रत्येक माँ बाप के लिए जरूरी है। मित्रों, माँ बाप जहाँ संतान को ईश्वर का वरदान मानते हैं, वही संतान के लिए भी माँ बाप स्वयं ईश्वर हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पश्चिम सभ्यता का प्रभाव कह लीजिए या अत्यधिक लाड प्यार का कारण कि यही वरदान आज माँ बाप के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। इसी अभिशाप की देन है बढ़ते हुए वृद्धाश्रम। माँ बाप आज खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर समस्या का समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने आदि काल में ही बता दिया था। आज उन्हीं बेशकीमती ग्रंथों में से एक अनमोल मोती आपके लिए हम लेकर आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये प्रयोग आपको पूर्ण संतान सुख प्रदान करेगा। आप कह सकते हैं कि ये प्रयोग करने के बाद रोने धोने के दिन समाप्त हुए। जो संतान आपका चेहरा देखने तक को तैयार नहीं थी, जो हर समय आपको आंखें दिखाती थी, वह आपके चरण धोकर पिएगी। मित्रों, ये हमारा अजमाया हुआ प्रयोग है और इसको करने से संतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान 101% निश्चित रूप से हो जाए। मित्रों, इससे पहले भी हमने संतान संबंधी समस्याओं के लिए 3 वीडियो डाले हैं। उसमें से आप सभी ने सबसे अधिक पसंद किया मोगरे के फूल के द्वारा संतान का वशीकरण। बहुत से दर्शकों का ये प्रश्न था कि मोगरे का फूल मिलता नहीं है, या हमारे पास नदी नहीं है, या हमारी संतान हमारे साथ नहीं रहती। तो मित्रों, आपकी संतान चाहे आपके पास रहे या दूर रहे, नदी हो या ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपकी होकर रहे, आपके कहने में रहे, तो ये प्रयोग अवश्य ही अजमा कर देखना चाहिए सभी माँ बाप को। मित्रों, बच्चे चाहे कल संगति में पड़ गए हों, खूब मार्ग पर चल रहे हों, दुर्वासना के शिकार हो गए हों, बहुत जिद्दी व हटी हों, हर समस्या का समाधान आज के इस प्रयोग से आपको 100% प्राप्त होगा। बहुत बार अजमाया हुआ हमारा ये प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, प्रयोग बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि मित्रों, हम आपके लिए बेशकीमती साधनाएं तथा जीवन में हर सुख प्रदान करने वाले दिव्य प्रयोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप भी हमें सहयोग करें, मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति कर मत जाएं, हमें भी सहयोग करें। लाखों दर्शक वीडियो देखते हैं, उनमें से 2-4 ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मित्रों, जब हम आपके लिए इतने अच्छे दिव्य प्रयोग, गुप्त प्रयोग लेकर आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे और आपके जीवन की चौमुखी उन्नति हो। तो मित्रों, ये प्रयोग आपको शनिवार करना है, कम से कम 3 शनिवार और अधिक से अधिक 7 शनिवार, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग को करते समय आपको जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह इस प्रकार से है। 1 काजल की डिब्बी, 1 इत्र की शीशी छोटी सी, 1 काली मिर्च का बना हुआ उड़द की दाल का पापड़ कच्चा, साबुत काली उड़द की दाल 31 पीस,
31 पीस साबुत उड़द की दाल और एक छोटी डली गुड़ की तथा एक सरसों के तेल का दीपक, दो लोहे की कीलें जो 2.5 इंच की हों और एक लोटा जल और थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा संदूक तथा थोड़ा सा लाल गुलाब। ये सभी सामग्री आपको पापड़ पर इस प्रकार से सजा देनी है जैसे आप पूजा की थाली सजाते हो। और उसके उपरांत आपको आसन पर बैठकर भगवती आदि शक्ति महामाया दुर्गा जी का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की चेतन की माला या लाल रंग के मूंगे की चेतन तथा प्राण प्रतिष्ठित शुद्ध की गई माला से 11 माला जाप करना है। सरलता मंत्र है मित्रों, आपको इस दिव्य मंत्र का 11 माला जाप एक ही आसन में बैठकर करना है और उसके प्राण भगवती से प्रार्थना कर कि आपको पूर्ण संतान सुख प्राप्त हो, आपकी संतान को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, आपके संतान की सभी बुरी आदतों की समाप्ति हो और उसे सद्मार्ग की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत आपको ये कच्चा पापड़ जिस पे आपने सभी सामग्री से जाकर रखी है चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए शनिवार की शाम को संध्या के समय जब दोनों समय मिलते हैं उस समय चुपचाप पीपल की जड़ के नीचे रख के आ जाना है, अर्थात पीपल के जड़ के पास रख के आ जाना है और लोटे का जल प्रार्थना करते हुए पीपल को चढ़ा देना है। बिना पीछे देखे बिना किसी से बात किए घर आकर हाथ मुंह धो लेना है। ये क्रिया 3 शनिवार तक करनी है, केवल शनि शनिवार को ही करना है, 21 दिन नहीं करनी, केवल शनिवार 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 अर्थात 3 शनिवार को आपको ये क्रिया करनी है। और यदि लाभ कम दिखाई दे तो आप 7 शनिवार भी कर सकते हैं अपने समर्थ अनुसार। यदि 3 बार में कार्य हो जाए तो अधिक करने की आवश्यकता भी नहीं है। और 101% कार्य होता ही होता है। हमने ये प्रयोग बहुत से लोगों को बताया और जिनको भी बताया उनको सुखद परिणाम प्राप्त हुए। तो अजमाया हुआ ये प्रयोग हम आपको आज प्रदान कर रहे हैं, इसका लाभ उठाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो निस्वार्थ भाव से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें। और मित्रों हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपको हर सुख प्रदान करें जिससे आपको चौमुखी उन्नति भी प्राप्त हो। तो मित्रों आप भी हमें सहयोग करें, हमारे वीडियो को लाइक करना शेयर करना हरगिज ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल के बटन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।